ऑलरेडी हम लोग जो है प्रोग्रेस में है और ये केस का जो है निकल के हल आना चाहिए, इसलिए जैसा आपको लगा उन्होंने एक दिन का कस्टडी ग्रांट किया। ओके सर, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे सर, शेजान कितना कोऑपरेट कर रहे पुलिस के साथ, क्योंकि बार बार स्टेटमेंट बदलने की बात आ रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, शेजान जी एकदम 100% कोऑपरेट कर रहा है, कोई भी उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह बदलना है ऐसा कोई रिमांड रिपोर्ट में कोई बात नहीं कही। पर आज उनकी माता जी ने काफी गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि थप्पड़ मारना, हिजाब पहनाना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में देखिए, वो जो शो चल रहा था अलीबाबा दास्तानी काबुल, उसमें आप देखेंगे कि हमेशा जो है शायद हिजाब ही पहना जाता है। अब वो अगर वो सब्जेक्ट से कुछ बोल रहे होंगे तो अलग बात है, बाकी इनके घर वालों ने ये चीजें एकदम से इनकार कर दिया। सर, इसके अलावा ये भी बातें सामने आई है, तुनिशा की मम्मी ने खुद ने एक बार उनकी जान लेने की कोशिश की और वो अपने स्टेप फादर से खुश भी नहीं थी। तुनिशा, क्या आप लोगों ने ये ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन की बात डाली है या? एक्चुअली ये पुलिस का काम है, पुलिस को करना चाहिए। हम आप लोगों से अपील करेंगे, अगर आप तक एक बात आई है तो आप इसके बारे में पुलिस से पूछें कि आप लोगों ने इसमें क्या किया। काफी बार ये भी जिक्र हुआ है कि शेजान अपने जो सबूते रहते हैं, जो भी वाक्य रहते हैं वो बदलते रहते, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा कहा गया था, बट पुलिस का ऐसा कोई जो है उसके ऊपर ये नहीं कहा गया। सर, ब्रेकअप किस वजह से हुई थी, क्या शेजान ने ये डिस्क्लोज किया, क्या रीजन था? क्योंकि कभी एज बार की बात आती है, कभी रिलीजन की बात आती है, कभी उसकी डैडी अग्री नहीं कर रहे, ये बात आती है, काफी सारे स्टेटमेंट चेंज होते नजर आए, तो ये जानना चाहेंगे कितनी सच्चाई है इस चीज में, क्यों ब्रेकअप हुआ? नहीं, इसके बारे में शेजान से हमने पूछा, बोले सर हम चल रहे थे साथ में, सब कुछ अच्छा, थोड़ा बहुत फैमिली इंटरफेरेंस था और फिर हमने देखा वो करके, तो हमने जो है ब्रेकअप कर लिया, बाकी ऐसा कोई इसमें बात नहीं। और दोनों मूव ऑन भी हो गए थे, दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। आप लोगों ने ही चलाया था कि 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, अगर देखेंगे तो 15 दिन से दोनों बराबर शूट पे आ रहे थे और दोनों का बराबर से जो है सीरियल भी चल रहा। सर, आपका शुभ नाम? शरद राय। कहा ये भी जा रहा है कि यू नो तनीषा के रूम से एक चिट्ठी मिली है कि वो अपने कोच साहब को लेकर काफी ज्यादा खुश थी और वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। जी हां, इसमें सर कितनी सच्चाई? जी हां, वो जो है चिट्ठी मिली थी और उसके लिए पुलिस ने भी लिखा है, इवन रिमांड में भी उसका जिक्र किया है, एंड वो आप लोगों ने भी जो है बताया है उसमें, मैं डे के दिन तुनिशा ने जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, आप लोग उसको देख सकते हैं। सर, लास्ट ये जानना चाहेंगे, डेढ़ घंटा उन्होंने ये भी कहा था, इनकी फैमिली वाले ये कह रहे थे कि तुनिशा का जब 15 मिनट पहले उन्होंने खाना खाया था, जब वो शेजान डेढ़ घंटा किसी लड़की के साथ कॉल पर बात कर रहे थे। सर, कॉल और मैसेजेस की अगर बात करें तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आपने व्हाट्सएप मैसेज या डिलीटेड मैसेज रिट्रीव किए हो तो वो कितने यू नो शॉकिंग है? देखिए, मोबाइल दोनों का जो है फर्स्ट डे पुलिस के पास जमा हो गया था, पुलिस ने उसको रिट्रीव किया हुआ है, अभी पुलिस के पास वो सारी चीजें हैं, अगर ऐसा कुछ रहता उसमें ऑब्जेक्शनेबल तो पुलिस जरूर कोर्ट में पेश करती, उनको लगा होगा नहीं है, इसलिए पुलिस ने वो सब का आज कोई टॉपिक नहीं है। सर, कल वापस से हियरिंग है, तो क्या आप लोग यू नो सबूत पेश करने वाले, किस ग्राउंड पर यू नो आपका केस आप मजबूत करने वाले? हमारा कल हम पुलिस का रिमांड रिपोर्ट देखेंगे इसके बाद, लेकिन हमारा यही कहना है कि जो धारा लगाया, जो सेक्शन लगा है शेजान पे, वो टोटली बेबुनियाद है और उसके लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। हमारा काम है पुलिस को सहयोग करना, हमने पुलिस को सहयोग किया है, लेकिन पुलिस ने इन सब बातों को आज ऑन रिकॉर्ड में लिया है ना? ऑन सर, बिल्कुल नहीं, पुलिस ने अगर इन बातों को रिकॉर्ड पे लिया भी है, इनके पास एक सबूत नहीं है। सर, तीसरी बार अब एक दिन के रिमांड में पुलिस कितनी मुश्किल होने वाली है आगे? नहीं लगती आपको जो परिवार कह रहा है वो पुलिस चीजों की छानबीन, आपकी तो फोटो आ चुकी है, आप कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उर्दू सिखाने की बात फलकनाथ को दरगाह पे लेकर जाती थी, अब अगर खुलकर नाम लेकर चीजें बताई जा रही है, आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? पुलिस वाले ने अपने रिमांड में ये सब चीजें या ये तथ्य या इस तरह का कोई भी बात कहीं भी नहीं लिखा। दादा, राइट में थोड़ा सा लेट पुलिस से सो, पुलिस ने आज तक ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। रिमांड के लिए क्या आधार? सर, आज गंभीर आरोप लगे, थप्पड़ मारने का जो उनकी माँ का स्टेटमेंट है उसके लिए उनको जानकारी चाहिए कि थप्पड़ मारा था कि नहीं मारा। फिलहाल अभी तक पुलिस के पास ऐसे कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं है जो इन आरोपों को सपोर्ट कर सके। कोई 15 मिनट का इनका कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई इनका किसी तरह का कोई बातचीत नहीं है, पुलिस की जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। आर्गुमेंट किया कि हमें उस लड़की का पता चल गया है और हमने उसका स्टेटमेंट भी दर्ज किया है, लेकिन वो स्टेटमेंट मेरे खिलाफ नहीं है। तो क्या है? लेकिन है तो सर, आप इसके लिए पुलिस को पूछिए क्या है, क्योंकि आज के रिमांड में कहीं पे इस तरह का कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, उनका एक ही ग्राउंड पे एक्सटेंशन हुआ है कि उसने थप्पड़ मारा है।
कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं, कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी तरह का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पुलिस की जांच में सबका सब आ जाएगा। उनकी उनकी माता जी ने भी जिक्र किया था सर, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है सर, उनकी मॉम ने भी आज जिक्र। आज के वीडियो में आपको तनीषा शर्मा केस से जुड़ी बहुत ही शॉकिंग डिटेल्स बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तनीषा शर्मा ने सुसाइड कर ली थी। तनीषा शर्मा ने ये सुसाइड क्यों की, उन्हें किसने प्रोवोक किया, या ये सुसाइड थी या मर्डर, इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई न्यू स्टोरी सामने आ रही है। केस बहुत गंभीर हो चुका है और केस एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर कोई भी ये जज नहीं कर सकता क्या सही है और क्या गलत है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशंस में जुटी हुई है और हर रोज मीडिया के सामने और नेटिजन्स के सामने न्यू बातें सामने आ रही है। आपको बताते चलें, पुलिस ने तनीषा शर्मा की सुसाइड के बाद मेकअप रूम जहां पर उन्होंने सुसाइड की थी उस एरिया को सील कर दिया था। अब पुलिस ने वहां पर जाकर दोबारा अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशंस की हैं और पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो शायद इस केस का एक बहुत ही अहम सबूत साबित हो सकती हैं और इस केस को सॉल्व करने में पुलिस की बहुत हेल्पफुल भी हो सकती हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस को तनीषा के मेकअप रूम में या तनीषा ने जहां पर सुसाइड की उस मेकअप रूम से एक तनीषा का लेटर मिला है। जी हाँ, तनीषा का लेटर मिला है जो इस केस में एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। उस लेटर पर तनीषा ने वो लेटर किसको लिखा है ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तनीषा ने वो लेटर अपने एक्स बॉयफ्रेंड शहजान खान को लिखा है, शहजान खान जो इस समय पुलिस कस्टडी में है। तनीषा ने उस लेटर पर लिखा है कि शहजान, आई विल ऑलवेज लव यू। साथ में उन्होंने हार्ट इमोजीज भी बना रखे हैं और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन पुलिस ने वो बातें अब तक सामने नहीं लाए हैं। और पुलिस ने बताया है कि वो लेटर कोर्ट में पेश किया जाएगा, उस लेटर की फॉरेंसिक करवाई जाएगी और तभी ये बताया जाएगा कि उस लेटर में तनीषा ने क्या लिखा है। लेकिन वो बहुत ही हार्ट रेंचिंग लेटर है। पुलिस ने जो दो चार बातें बताई हैं वो यही बताया है कि वो लेटर तनीषा ने शहजान खान को लिखा था, अपने मौत से पहले लिखा था, और शहजान खान को उन्होंने लिखा था कि वो बहुत लकी हैं, शहजान खान बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने शहजान खान के बारे में बहुत अच्छी बातें उस लेटर में लिखी हैं और वो शहजान के ब्रेकअप के बाद भी खुद को उसी मोड में रखना चाहती थी कि वो शहजान से प्यार करती हैं और वो शहजान के साथ हमेशा रहेंगी। वो इसी तरह की बातें उन्होंने लिख रखी थी। साथ में ये भी बताते चलें कि एक ब्रोकन आईफोन भी मिला है जो कि सपोजिडली तनीषा का है, और उस ब्रोकन आईफोन को भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। उस ब्रोकन आईफोन को भी पुलिस ने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है और जब वो फ़ोन मिला वो स्विच ऑफ था, वो अनलॉक अभी तक नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्दी अनलॉक हो जाएगा और उसकी भी चैट्स और डिफरेंट फ़ोन कॉल्स रिट्रीव की जाएंगे और फिर पता लगेगा कि तनीषा ने किससे बात की थी और ऐसा क्या हुआ था। लेकिन ये एक नोट मिलना, लेटर मिलना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और हम आशा करते हैं तनीषा को भी जस्टिस मिल सके, तनीषा की फैमिली, ताकि यही सुकून ले सके कि उनकी बेटी को जस्टिस मिल सका और शहजान खान अगर अक्यूज्ड हैं तो उनको जेल मिले और अगर वो अक्यूज नहीं हैं तो वो भी रहा होकर बाहर आ सकें। आपको क्या लगता है कि तनीषा शर्मा के इस लिखे गए लेटर में शहजान खान को तनीषा ने क्या लिखा होगा और शहजान खान के बारे में क्या उन्होंने लिखा होगा अपने सुसाइड के बारे में या इस तरह का कुछ होगा, आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।